हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व कर रहे हैं आर डी शर्मा बुक चैप्टर नंबर 14 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर इसमें हम चार क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये सेक्शन ए में जो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं वो चार क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये आर डी शर्मा में, जो कि पेज नंबर आपके हैं 14.87 पे, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 22, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है सरफेस एरिया, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया होगा तो वहाँ पे मेंशन होगा। कर्व सरफेस एरिया जब भी दिया होगा या फाइंड करना होगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, लेकिन अगर ओनली सरफेस एरिया लिखा है इसका मतलब वो टोटल सरफेस एरिया है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया जो स्क्वायर का वो गिवन है, हमें यहाँ रेडियस फाइंड करना है। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ द स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हमें यहाँ गिवन है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला होता है 4πr². तो 4πr² हमारा 616 के इक्वल है। हमें रेडियस चाहिए तो हम रेडियस को यहीं पे रहने देते हैं, 4π को हम इधर ट्रांसफर कर दें 4πr² के मल्टीपल में, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। अब आप पाई की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, आप कोई भी यहाँ पे पुट कर सकते हो 616 4, पाई की वैल्यू हमारी होगी 22/7 हो गए। तो ये यहाँ डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है वो हमारा फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले हम इसको दो टर्म में फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया 616, या ये डिवाइड को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल में चेंज कर रहे हैं। तो जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो हमारा बन जाएगा डिनोमिनेटर। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। पहले आप इस हम ये हम टू के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं। पहले टू के टेबल में 4 आया 2 टाइम 3, और इस 1 2 के टेबल में नहीं आता है तो हम 16 को लेंगे। तो 16 अगर आप एक साथ ले रहे हो तो ये 0 आ जाएगा, और 2 के टेबल में 16 आएगा यहाँ 8 टाइम। ये बिल्कुल आपको यहाँ पे भी बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि ये 0 कैसे आ गया। तो 2 के टेबल में 6 आया पहले 3 टाइम, तो ये हमारा 6 हो गया, 6 - 6 0। अब 1 आ गया, अब 1 2 के टेबल में नहीं आता है तो यहाँ 0 लगा के हम दूसरा नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये 8 टाइम आ गया। फिर 2 से और कैंसिल कर देते हैं, 2 के टेबल में 1 टाइम आया, फिर 5 टाइम आया, फिर 4 टाइम आया। अब 11 के टेबल से कैंसिल कर लिया, ये 2 टाइम, और ये हमारा हुआ 4 4 टाइम। फिर 2 के टेबल से 44, यस यहाँ पे 1 4 आएगा, ओके। फिर ये हमने 2 से कैंसिल, क्योंकि 11 के टेबल में 15 नहीं आता, बट 11 आएगा 1 टाइम। फिर 2 के टेबल से हमारा ये कैंसिल हो गया, 7 आ गया। तो आर स्क्वायर हमारा हो गया 7 × 7, तो आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ±7 × 7। पेयरिंग हो रही है इसलिए रूट से बाहर आके ये बचेगा सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ 7 रह जाएगा, क्योंकि रेडियस हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पे लेंगे। तो इस तरह से आपको सॉल्व करके बताना है, और ये कम से कम आपका सॉल्यूशन 1 से 1.5 मिनट में आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23। अ सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ द सेम बेस रेडियस एंड ऑफ सेम हाइट, यानी सिलेंडर और कोन है जिनका बेस रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ द, ये यहाँ वैल्यू नहीं वॉल्यूम है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ द कोन, यानी कि हमें सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम का रेशियो यहाँ पे फाइंड करके बताना है। तो हम सबसे पहले रेडियस और हाइट को लेट कर लेते हैं, ओके। तो जो हमें गिवन था वो हमने राइट कर लिया, क्योंकि दोनों का रेडियस और हाइट हमें सेम गिवन है, तो रेडियस हमने दोनों की आर ले लिया और हाइट हमने दोनों की एच ले लिया। नाउ वॉल्यूम का हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसको हमने वी वन ले लिया, और वॉल्यूम ऑफ कोन जो हमारा होता है 1/3 πr² h होता है। तो रेशियो हमें किसका, सिलेंडर का कोन के साथ लेना है, तो आपको सिलेंडर के वॉल्यूम को ऊपर रखना है, यानी कि देयर फॉर वी वन अपॉन आपको वी टू यहाँ पे फाइंड करना है। वी टू अपॉन वी वन फाइंड करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, जिसका जिसके साथ रेशियो लिखा है वही आपको फाइंड करना है। तो वी वन की वैल्यू हो गई πr² h डिवाइडेड बाई, यहाँ हो गया 1/3 πr² h। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो रहा है, बट अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो पाई आर स्क्वायर एच, ये यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर वो फिर से फ्रैक्शन में पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 है, तो इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीपल में चेंज करेंगे, तो 3 जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और पाई आर स्क्वायर जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इस पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, 3 डिवाइड बाई कितना बचा 1, क्योंकि ये इससे जैसे 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 आएगा, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, वैसे ही पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एच 1 टाइम कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे वी वन अपॉन वी टू हमारा आ गया 3 डिवाइड बाय 1, यानी कि रेशियो जो हमारा यहाँ पे क्या हो गया
3:1, ये हमारा रेशियो गया. देयर फॉर रेशियो इज 3:1, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो हो गया 3:1. नाउ क्वेश्चन 24 सॉल्व करते हैं. द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर. इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ इट सर्कुलर एंड्स इज 4 सेंटीमीटर, राइट द हाइट ऑफ द फ्रस्टम. तो हमें यहाँ पे स्लांट हाइट गिवन है. स्लांट हाइट हमारी जो स्लोप ली हुई होती है, तो ये हमारी स्लोप वाली हाइट है, ये हमारी 5 सेंटीमीटर गिवन है. लेट कि यहाँ का जो स्मॉल वाला रेडियस वो स्मॉल आर ले लेते हैं, और ये जो दूसरा वाला जो रेडियस है फ्रस्टम में, दो रेडियस होते हैं, उसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं. तो यहाँ डिफरेंस बिटवीन द रेडियस, तो यहाँ हमें क्या गिवन है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, वो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर. तब हमें यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है. तो इस तरह से ये हमें इसको परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये हमारी क्या हो गई यहाँ पे हाइट, ये हमें फाइंड करनी है. तो ये जो हमारी ये जो इतनी सी रेडियस है, ये क्योंकि इसकी रेडियस में से, सॉरी ये डायमीटर हो गया, इसकी रेडियस हमने आर ले ली, इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर ले ली. तो इस पूरी रेडियस में से अगर ये रेडियस हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो सिर्फ इतनी सी रेडियस बचेगी जो कि हमारी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होती है. तो आपको यहाँ पे हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए. ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, ये हमारी एल है, ये एच है, और ये हमारी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है. तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन गया, तो सीधा बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है. जो भी हमें गिवन था वो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, और ये आपको लेट वाला हमेशा यहाँ पे राइट करना है. अगर गिवन नहीं है तब भी, क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे ले रहे हैं, आर और स्मॉल आर लिया है. तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारा इस तरह से यहाँ पे बन जाता है, एच एल और ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हमें गिवन. तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर हो गया. वैल्यू पुट कर लो, एल हमारे 5 गिवन है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया. कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हमें 4 गिवन है, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया. और एच स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू 4 स्क्वायर हो गया 16, प्लस एच स्क्वायर 16 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं, प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू एच स्क्वायर. तो 25 में से 16 गया तो बच गया 9 इक्वल टू एच स्क्वायर. एच की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर इधर आके हो जाएगा रूट 9 प्लस माइनस साथ में आएगा. तो दिस इम्प्लाइज प्लस माइनस रूट 9 के फैक्टर हो गए 3 into 9 के फैक्टर हो गए 3 into 3, पेयरिंग हो गई, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा. तो प्लस माइनस 3 इक्वल टू हमारा एच हो गया. बट हमें पता है हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव को लेंगे. सो हाइट नेवर बी नेगेटिव. सो हाइट ऑफ फ्रस्टम एच इज हमारी 3 सेंटीमीटर के. नाउ लास्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते. क्वेश्चन इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमी स्पेयर आर न्यूमेरिकली इक्वल. तो ये जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है सॉलिड हेमी स्पेयर, तो हेमी स्पेयर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. इस तरह से हमारा हेमी स्पेयर हो गया, तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम तो ये हो गया कि इसके अंदर हम कितना कोई भी चीज़ फिल कर सकते हैं, वाटर है, कोई भी चीज़ में फिल करनी है, कैपेसिटी की जब बात आती है. और सरफेस एरिया मतलब कि वो सरफेस जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे ये पेन है, तो ये इसका जो भी हम पोर्शन टच कर पा रहे हैं ये इसका सरफेस एरिया है. लेकिन अगर इसके अंदर कुछ फिल करना हो तो वो वॉल्यूम होगा. तो ये सरफेस भी हम टच कर पा रहे हैं, ये सरफेस भी हम टच कर पा रहे हैं, तो ये पूरा इसका क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा. तो यहाँ क्या कि मैंने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो है स्पेयर का वो न्यूमेरिकली इक्वल है, तो हमें बताना है कि इस हेमी स्पेयर का डायमीटर कितना होगा. तो सबसे पहले हमने रेडियस सेलेक्ट कर लिया कि रेडियस जो हेमी स्पेयर की आर यूनिट है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें कोई भी यूनिट सेंटीमीटर मीटर गिवन नहीं, तो हम सिर्फ यूनिट लिख लेंगे. फिर हमें गिवन है कि वॉल्यूम जो हेमी स्पेयर का वो सरफेस एरिया के वॉल्यूम के सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर के इक्वल है. तो वॉल्यूम जो होता है हेमी स्पेयर का वो होता है जो हेमी स्पेयर का होता है 4/3 πr³. यहाँ हेमी है, हाफ है उसका, तो यहाँ 2/3 कितना हो जाएगा, πr³ हो जाएगा. और सरफेस एरिया जो है हेमी स्पेयर का, तो ये हमारा सेमी सर्कल का हो गया πr², ये हमारा हो गया यहाँ पे 2πr², क्योंकि पूरे स्पेयर का 4πr² होता है. ये मतलब ये पूरा स्पेयर है, इसका टीएस यानी टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है πr², हमने इसको हाफ कर दिया, तो इस वाले कर्व का हो गया 2πr², और ये ऊपर वाला सरफेस भी हम टच कर पा रहे हैं. तो जब आप एक बॉल ले लो, बॉल को आप बीच में से कट करोगे तो उसका टॉप वाला पोर्शन इसी तरह से सर्कुलर होगा, तो ये भी हमारा हो गया πr². तो ये दोनों ऐड करके हमारा कितना हो जाएगा, 3πr². अब हमें यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि आर आएगा तभी हमारा डायमीटर आएगा, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, क्योंकि यहाँ आर क्यूब है. तो हम इस आर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करते हैं और इस वैल्यू को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं. तो आर क्यूब आर स्क्वायर या मल्टीपल में तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये 3π एज इट इज ये हमारा डिवाइड में है, तो
तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 पाई यहाँ न्यूमरेटर में, तो 2 पाई यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, सिर्फ एक आर बच गया, यानी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक आर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, तो 3 माइनस 2 भी कर सकते हो। ये नहीं समझ में आ रहा, बेस सेम है और डिवाइड में, तो पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 3 माइनस 2 आर हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से आर इक्वल टू हमारा 3 × 3 9/2 यूनिट आ गया, बट हमें यहाँ पे डायमीटर फाइंड करना है, तो देयर फॉर डायमीटर इज हमारा 2 रेडियस, रेडियस का दुगुना होता है, तो 2 से मल्टीपल किया, 2 × 9/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 9 यूनिट्स। ओके, तो ये आपके सारे क्वेश्चन देखो, वन वन एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब खुद सॉल्व करोगे तो 1 मिनट से ज़्यादा भी आपको इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, वो तब नहीं लगेगा जब आपको सारे फॉर्मूला सब कुछ अच्छे से पता होंगे। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, अगर आपको ये वीडियो सारे अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।